ऑनलाइन सेफ्टी कोर्स कहाँ से करें? जी हाँ, ऑनलाइन हेल्थ सेफ्टी कोर्स, ऑनलाइन फायर एंड सेफ्टी कोर्स, ये कोर्स क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको लोगों ने पूछा कि ऑनलाइन मोड से हम कहाँ से करें। तो डियर स्टूडेंट, देखिए कोर्स करना ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन दोनों सिलेबस मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऑनलाइन का सिलेबस और ऑफलाइन का सिलेबस दोनों एक जैसा ही होता है, बस इसके पढ़ने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। तो जहाँ से भी आप कोर्स करें वहाँ पे वहाँ का सिलेबस आप देख वो कर लें, क्या चीज़ें हैं, अपडेटेड है कि नहीं, क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करता है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि मुझे कहाँ से करना चाहिए, तो मैं आपको इंडिया में SST इंस्टीट्यूट को सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं। कारण कि और भी SST इंस्टीट्यूट के बारे में बखूबी हम हर एक चीज़ों को जानते हैं, वहाँ के स्टडी ऑफ क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमेशा अपडेटेड ट्रेनिंग आपकी होती है, और वहाँ पे जो वर्क होता है वो एक रिजल्ट बेस पे होता है, यानी आपने कितना इम्प्रूव किया और कितना आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वहाँ की जो टीम है, वहाँ पे जो 6 टीम काम करती है, यानी ये सिर्फ जो है SST इंस्टीट्यूट ही प्रोवाइड करती है, ये टीम क्या करती है, अलग अलग जानकार लोग होते हैं, जैसे क्वालिटी की एक टीम होती है वो अलग होती है, मैनेजमेंट की टीम अलग होती है, इंटरव्यू वाली अलग होती है, एचआर का टीम अलग है, तो ये सभी लोग उस स्टूडेंट पे फोकस करते हैं जो SSTNs होते हैं, जो SST में एडमिशन लेकर के वहाँ पढ़ाई करते हैं, और उनको बहुत सारी चीज़ें जो है पता चल जाती हैं। सबसे पहली बात तो उन्हें जॉब प्लेसमेंट प्रोफाइल की प्रिपरेशन हो जाती है, जानकारी हो जाती है, जो बाकी जगह आपको नहीं मिल पाता है। SST में सबसे बड़ी खास बात क्या है कि SST हमेशा इस बात को ध्यान दे करके अपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि हमें जॉब करना है और जॉब के लिए हमें किन बातों का जानकारी होना ज़रूरी है। वह हम नेशनल स्टैंडर्ड पे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दोनों ही पे फोकस करते हैं। यदि आप दूर हैं, आपका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो आप बेसिक जो है SST इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन सेफ्टी कोर्स कर सकते हैं। जी हाँ, जिसमें आपके कोर्स मटेरियल मिलते हैं, आपकी पढ़ाई भी होती है, और समय समय पर जो है आपके सेमिनार्स भी होते हैं। सबसे बड़ी बात जो है SST का जो प्लस पॉइंट है, वह आपका एनरोलमेंट जो होता है लाइफ टाइम के लिए होता है। यदि किसी कारण बस आपकी कोई टॉपिक अधूरा रह गया है और आप चाहते हैं कि मैं लाइव जा करके वहां पे एक्सपर्ट से मिलकर उस चीज को सीखूं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई पैसा नहीं देना होता है, क्योंकि इसके लिए आप ऑलरेडी एडमिशन करा चुके होते हैं और आपने पढ़ाई पूरा किया होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात होती है, लाइफ टाइम आपका रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपको इन फ्यूचर अगर कभी दिक्कत होती है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जिसके लिए आपने एनरोलमेंट कराया है, तो उस चीज़ की भी जानकारी आप ले सकते हैं, एक्सपर्ट आपको सपोर्ट करते हैं, पूरी लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करते हैं। बाकी जो है, जो मैं चाहे UK बेस्ड कोर्स की करूं या इंडिया की और भी इंस्टीट्यूशन की बात करूं, वो इस तरह की सुविधा प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि सभी इंस्टीट्यूशन ये चाहती हैं कि मैं सिर्फ ट्रेनिंग देने तक ही सीमित रहूं, क्योंकि उसके बाद मैं उन पर अपना टाइम क्यों वेस्ट करूंगा, क्योंकि उसके बाद मुझे पैसे नहीं मिलने वाले, तो इस मोनोपोली को लेकर चलते हैं। लेकिन SST ऐसा नहीं करती है। SST का जो सबसे खास बात जो मुझे अच्छा लगा या मुझे पसंद है, वह है कि अगर आप एक बार इसके मेंबर बनते हैं, यानी इस परिवार से जुड़ते हैं, आप इसका ट्रेनिंग लेते हैं, आपका एनरोलमेंट होता है, तो आप इस परिवार के, इस SST परिवार के हिस्सा बन जाते हैं, आप SSTN बनते हैं, जिसमें हमारा कमिटमेंट होता है कि हम पूरी लाइफ टाइम तक जो भी हमसे बन पाएगा उस कोर्स के रिगार्डिंग जो चीज़ आपने सीखा है, हम जरूर आपकी मदद करेंगे, वो भी बगैर पैसे का, बिना, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि हमें ऑनलाइन सेफ्टी कोर्स या ऑनलाइन फायर सेफ्टी कोर्स कहाँ से करना चाहिए, तो अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं स्पेशली सजेस्ट करूंगा कि आप SST इंस्टीट्यूट से इस कोर्स को कर सकते हैं। बहुत ही और भी इंस्टीट्यूशन है जो इसकी ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन जो मैंने पाया है, जो मैंने देखा है अपने इस पूरे करियर में, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट नहीं देते, आपको जो है जॉब प्लेसमेंट की प्रिपरेशन नहीं कराते, आपको HPI नहीं कराते, आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको जो है HR सेक्शन से आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए थी, तो तमाम तरह की चीज़ें आपको नहीं मिल पाती। हाँ, ट्रेनिंग ज़रूर मिल जाती है, लेकिन वो भी ट्रेनिंग कई जगह तो मैंने देखा कि वो ट्रेनिंग का जो सिलेबस उन लोगों का है, जो जिस बेस से पढ़ाते हैं, तो मुझे लगा कि वो पूरा टाइम वेस्ट ही जाता है और स्टूडेंट्स का के करियर के साथ खिलवाड़ ही होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप करना चाहते हैं आप बेशक, तो बगैर सोचे समझे कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार जांच लीजिए, आप परख लीजिए, और मैं ये कहूँगा कि इन बातों को
को आप जो है सबसे पहले वेबसाइट को विजिट करिए, अपनी बात को जानिए, हर एक चीज़ को समझिए और उसको समझने के बाद से आप अप्लाई करिए। ऑनलाइन मोड आपके लिए काफ़ी बेस्ट साबित हो सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन के बाद से आप वर्कशॉप की ट्रेनिंग भी आप कर सकते हैं, वो भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ये बेस्ट एक ऑप्शन होगा, एसएसटी इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट हो सकता है। इंडिया में यह एसएसटी इंस्टीट्यूट जो है अभी देवरिया में वर्क कर रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में आप 18 राज्यों के हर एक डिस्ट्रिक्ट में यह इंस्टीट्यूशन रन करने लगेगा। इसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, एप्लीकेशन इनवाइट है और प्रोसेस में है। 6 नवंबर तक आपको पता चल जाएगा कि किस स्टेट में, किस जिले में एसएसटी की ब्रांच है और वह वर्क करना शुरू कर दी। 30 नवंबर से सबका वर्किंग प्रोसेस आ जाएगा, यानी मैं यूं कहूं कि नए साल पे आपको एसएसटी का एक नया तोहफा मिलेगा, आपके शहर में आपको वह ब्रांच मिलेगा। दूसरी बात, उन लोगों को भी काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं और खुद जो है इसमें आना चाहते हैं और एसएसटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो भी अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं। और अपने अगर उस डिस्ट्रिक्ट में एसएसटी का ब्रांच अलॉट नहीं है तो उस ब्रांच को वो ले सकते हैं। काफ़ी मिनिमम फीस होती है, केवल एप्लीकेशन फी आपको पे करना होता है, उसके बाद से प्रोसेस में आ जाता है। और एसएसटी आपको उसके लिए काफ़ी सपोर्ट करती है, उसकी पूरी टीम सपोर्ट करती है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो आपने पूछा कि हम ऑनलाइन कोर्स कहाँ से करें, तो सीधी सी बात है कि ऑनलाइन कोर्स आप जो है एसएसटी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। चाहे आपको हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स करना हो, या फायर सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स करना हो, या इलेक्ट्रिकल का कोर्स करना हो, आप एसएसटी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका एक बेहतर और बढ़िया डिसीजन होगा। इसी के साथ ही डियर स्टूडेंट, हम आपसे इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।